क्या राज्य सरकारें संघीय ढांचे को सीधी चुनौती देना चाहती हैं? क्या राज्य सरकार संघीय ढांचे को ही चरमरा देना चाहती है? क्या कुछ राजनीतिक दल अब निजी स्वार्थवश संघीय व्यवस्था से सीधे टकराव की राह पर चलने की तैयारी में हैं? क्या अरविंद केजरीवाल, ममता बनर्जी और तमिलनाडु के सीएम स्टालिन अब अपने राज्य को स्वतंत्र राज्य बनाने के खतरनाक साजिश में जुटे हुए हैं? क्या इस साजिश में राहुल गांधी की भी मिलीभगत है? ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, तो इसकी एक बड़ी वजह यह है कि जो भी गैर बीजेपी शासित राज्य हैं सब लगभग एक ही भाषा बोल रहे हैं। इन सबको केंद्र से आज़ादी चाहिए और साथ ही ज़्यादा से ज़्यादा पैसा भी चाहिए। दरअसल कुछ विपक्षी दल अब कैसी काली मंशा पाले हुए हैं इसका पता तो तब पहली बार चला जब राहुल गांधी ने संसद में यह बयान दिया कि भारत राज्यों का एक संघ है, यानी एक यूनियन ऑफ स्टेट है। बस क्या था, इस बयान के बाद ममता, स्टालिन और अरविंद केजरीवाल जोर शोर से इस मुहिम को आगे बढ़ाने लगे। बहरहाल टकराव की इस रेस में सबसे ज़्यादा तेजी पकड़े हुए हैं केजरीवाल। केजरीवाल पंजाब के बहाने केंद्र और राज्यों के बीच खाई पैदा कर रहे हैं। दरअसल पंजाब के मुख्यमंत्री की कुर्सी संभालने के कुछ दिन बाद ही भगवंत मान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पास पहुंचे और उनसे 50,000 करोड़ रुपए प्रतिवर्ष के 2 किस्तों की मांग की। उनका कहना था कि राज्य की वित्तीय स्थिति को संभालने के लिए उन्होंने केंद्र सरकार से इस पैकेज की मांग की। इस मांग को अरविंद केजरीवाल पंजाब का पैसा बताकर सही ठहराने की कोशिश कर रहे हैं। यही नहीं, एक वीडियो में मुख्यमंत्री केजरीवाल एक निजी चैनल के पत्रकार से कहते हैं, केंद्र सरकार के पास जो पैसा है वो पब्लिक का पैसा है और भगवंत मान उसी पैसे को लेने के लिए गए थे। केजरीवाल का कहना है कि पंजाब के पब्लिक का पैसा केंद्र के पास पड़ा हुआ है। जबकि राजनीति में आने से पहले अरविंद केजरीवाल भारतीय राजस्व सेवा के अधिकारी रहे हैं। उन्हें अच्छी तरह पता है कि केंद्र के आय के स्रोत क्या हैं और उसके खर्चे क्या हैं, राज्यों को किस आधार पर राशि का आवंटन होता है। ऐसा नहीं है कि उन्हें वित्त आयोग जैसी संस्थाओं और उसके कामों के बारे में पता नहीं है। इसके बावजूद वो संवैधानिक व्यवस्था को दरकिनार कर मांगी गई राशि को पंजाब का पैसा बता रहे हैं। आइए पहले आपको बता दूं कि कहां से आता है केंद्र के पास पैसा। केंद्र के आय में आयकर, कॉरपोरेट टैक्स, उधारी और GST की प्रमुख हिस्सेदारी होती है। केंद्र अपनी आय का 21% कॉरपोरेट टैक्स, 20% उधारी, 16% आयकर और 19% GST से प्राप्त करता है। इसके अलावा केंद्र सरकार को गैर कर आय से 9%, कस्टम से 4%, एक्साइज ड्यूटी से 8% और गैर ऋण पूंजीगत प्राप्तियों से 3% की आय होती है। जहां तक खर्च की बात है तो केंद्र सरकार पर केंद्रीय कर्मचारियों के वेतन भत्ते, रक्षा, आधारभूत संरचना पर खर्च करना पड़ता है। केंद्र अपनी आय का सबसे अधिक हिस्सा 23% राज्यों को देता है, 18% कर्ज का ब्याज चुकाने और 13% केंद्रीय योजनाओं तथा 9% उज्ज्वला, मनरेगा, प्रधानमंत्री आवास योजना जैसी केंद्र प्रायोजित योजनाओं पर खर्च करता है। वहीं सब्सिडी पर 8%, रक्षा पर 9% और पेंशन पर 5% राशि केंद्र सरकार खर्च करती है। वहीं GST प्रणाली के तहत राज्य SGST लेते हैं जबकि केंद्र CGST लेता है। दोनों ही कर योग्य वस्तु पर लागू GST का 50% हैं। इसका मतलब यह है कि राज्य पहले से ही ज़्यादातर वस्तुओं और सेवाओं पर 50% टैक्स खुद ही वसूल कर लेते हैं। इसके अलावा आयकर और कॉरपोरेट टैक्स जैसे अन्य करों के साथ केंद्रीय GST का एक हिस्सा राज्यों को भी दिया जाता है। ऐसे में राज्यों को राजस्व में अपना हिस्सा मांगने के लिए केंद्र के पास जाने की जरूरत नहीं होती है। वह पहले से ही वित्त आयोग की सिफारिश के आधार पर केंद्र द्वारा आवंटित किया जाता है। केंद्रीय बजट 2022-23 में पंजाब को केंद्र सरकार द्वारा एकत्र किए गए विभिन्न करों से 14,756,86 करोड़ आवंटित किए जा चुके हैं। जब केंद्र सरकार अपनी आय का 23% हिस्सा राज्यों के साथ साझा कर देती है, ऐसे में अपनी लोक लुभावने वादों को पूरा करने के लिए केंद्र को दोषी ठहराना सीएम अरविंद केजरीवाल और भगवंत मान का राजनीतिक स्टंट से अधिक कुछ नहीं है। पहले से ही खस्ताहाल राज्य में अगर मुफ्त वाली घोषणाएं लागू कर दी जाती हैं तो ये राज्य के लिए आत्मघाती साबित होगा। बहरहाल मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पंजाब के हिस्से की पूरी राशि मांग कर संघीय व्यवस्था को चुनौती देने का काम कर रहे हैं। वहीं अगर ममता बनर्जी को देखें तो वो भी संघीय ढांचे पर किसी न किसी बहाने
प्रहार करती हुई नजर आती हैं। केंद्रीय एजेंसी के अधिकारों को तो वो ऐसे खारिज करती हैं जैसे उनका कोई वजूद नहीं। आपको याद होगा शारदा चिटफंड घोटाले में सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर जब सीबीआई की टीम पुलिस कमिश्नर राजीव कुमार से पूछताछ करने जब कोलकाता में उनके आवास पहुंची तो बंगाल पुलिस ने सीबीआई अधिकारियों को ही बंधक बना लिया। इसको लेकर भारी बवाल मचा। हालत ये हुई कि राजीव कुमार से पूछताछ करने के लिए सीबीआई को सुप्रीम कोर्ट का ही फिर से सहारा लेना पड़ा। मजे की बात देखिए, संविधान को चुनौती दे रही ममता इस बात को लेकर संविधान बचाओ का नारा देकर धरने पर भी बैठ गई थी और देश के सभी विपक्षी दलों ने उनका समर्थन भी किया। सिर्फ यही नहीं, ममता ने दूसरी बार केंद्र के अधिकारों की धज्जियां उड़ाने का तब प्रयास किया जब केंद्र ने 3 महीने की सेवा विस्तार पाए चीफ सेक्रेटरी अलापन बंदोपाध्याय को प्रतिनिधित्व पर केंद्र बुलाने का फैसला किया। लेकिन बंदोपाध्याय केंद्र के आदेशों की धज्जियां उड़ाते हुए सीएम के साथ मीटिंग करते रहे। ममता ने भी केंद्र के इस फैसले को मानने से इनकार कर दिया और कहा केंद्र को ये अधिकार नहीं कि बगैर सीएम की मर्जी के वो किसी आईएएस अफसर को बुला लें, जबकि ये जानते हुए कि आईएएस ऑफिसर केंद्र सरकार के कर्मचारी होते हैं और राज्यों में उनकी नियुक्ति और प्रतिनियुक्ति का अधिकार केंद्र के पास ही होता है। हालांकि अलापन पर केंद्र कार्रवाई करती उससे पहले उन्होंने रिटायरमेंट ले लिया था। बात करें तमिलनाडु की तो तमिलनाडु विधानसभा में सोमवार को मुख्यमंत्री एम के स्टालिन ने एक प्रस्ताव पेश किया जिसमें केंद्र सरकार से कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट को वापस लेने का आग्रह किया गया। CUET केंद्रीय विश्वविद्यालयों के लिए अनिवार्य, डीम्ड विश्वविद्यालयों, राज्य विश्वविद्यालयों और निजी विश्वविद्यालयों के लिए ऐच्छिक है। हालांकि उनसे भी विभिन्न पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट में शामिल होने की अपेक्षा की जा रही है ताकि अलग अलग परीक्षा ना हो, लेकिन राज्य सरकार को ये अपने हित में नहीं लग रहा और वो इसे वापस लेने के लिए केंद्र सरकार पर दबाव बनाने की कोशिश कर रही है।